इधर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा पर सीपीएम टॉपिक का। और ये जो है ये अपना वीडियो नंबर 15 है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्रैशिंग द नेटवर्क। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रैशिंग में हम करते क्या है, नेटवर्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहता है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो रिड्यूसिंग द नेटवर्क। ओके ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, इसके रिलेटेड जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे हर एक कॉन्सेप्ट को अपन डिटेल में समझते हुए इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को अगर आप आखिर तक देखते हो तो आपका ये टॉपिक जो है बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी ए मस्ट प्रिसीड ऑल अदर वाइल एक्टिविटी ई मस्ट फॉलो अदर्स। ये जो है बेसिकली हमको नेटवर्क को ड्रॉ करने में काम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना क्या एक्टिविटी है, ए बी सी डी ई। ओके, यहाँ पे क्या है, यस यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ, दैट इज एक लिखा नॉर्मल, एक लिखा अपना क्रैश। ये अपना क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन नॉर्मल कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रैश ड्यूरेशन क्रैश कॉस्ट। ओके ठीक है, ड्यूरेशन अपना डेज में लिखा हुआ है और कॉस्ट अपने यहाँ पे रुपीज में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। यस, क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, यस ये जो है हमको यहाँ पे पूछा है, दैट इज ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। पहले अपने क्या है, हमको यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करना है और क्रिटिकल पाथ को अपने वहाँ पे निकालना है। ओके सेकंड देखो क्या बोला यहाँ पे, यस क्रैश द नेटवर्क फुल्ली टू फाइंड आउट मिनिमम ड्यूरेशन। ओके, जैसे कि मान लो आपके पास कोई नेटवर्क है उसका ड्यूरेशन निकला आपको 20 डेज निकला है। ओके तो कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उसको 19 डेज में अगर मुझे प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। ओके आपको क्वेश्चन बोलेगा कि क्रैश द नेटवर्क ओके टू 19 डेज या 18 डेज या 17 डेज। ओके यहाँ पे पर्टिकुलर कोई डे को ना दिखाते हुए यहाँ पे बोला गया है क्रैश द नेटवर्क फुल्ली टू फाइंड आउट द मिनिमम ड्यूरेशन। आपको यहाँ पे क्रैश तब तक करना जब तक आपके पास हमें मिनिमम ड्यूरेशन आपका ना आ जाए। ओके यस, क्रैश द नेटवर्क फुल्ली टू फाइंड आउट मिनिमम ड्यूरेशन तक का हमको करना क्या है, नेटवर्क को क्रैश करना है। ओके थर्ड देखो क्या पूछा है, इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ₹300 पर डे डिटरमाइन द टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट। ओके इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ₹300 पर डे डिटरमाइन द टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट। अपने को ये भी जो है हमको निकालना है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस ऐसे टाइप क्वेश्चन में जहाँ पे आपको नॉर्मल ड्यूरेशन नॉर्मल कॉस्ट क्रैश ड्यूरेशन क्रैश कॉस्ट दिया होगा। ओके उस केस में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट स्लोप। ओके सबसे पहले आपका ड्यूटी क्या है, कॉस्ट स्लोप निकालना है। ओके तो यहाँ पे मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड द कॉस्ट स्लोप ओके फॉर ईच एक्टिविटी। ओके उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी सी माइनस सी एन अपॉन टी एन माइनस टी सी। ओके सी सी मतलब क्रैश कॉस्ट, सी एन मतलब नॉर्मल कॉस्ट, ओके टी एन मतलब नॉर्मल टाइम और टी सी मतलब क्रैश टाइम। ओके यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वैल्यू सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। यस तो यहाँ पर फाइनली जो है मैं यहाँ पे सबके वैल्यूज को निकाल दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी ए बी सी डी ई, आपके पास यहाँ पे 5 एक्टिविटीज थे। ओके तो एक के नीचे अपने पास देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1000 लिखा हुआ है। ओके तो ये फॉर्मूले को अपन जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे अपन जब अप्लाई करें तो क्या होगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। ओके तो 4000 माइनस 3000 दैट इज 1000, 1000 अपॉन में 5 माइनस 1 दैट सॉरी 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो 1000 अपॉन में 1 अपने क्या होगा, यहाँ पे 1000 रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही लिखा हूँ। ओके इसी फॉर्मूले को ऊपर मैं यूज किया हूँ। ओके तो बी को निकालते हैं आप, देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, यस 2000 माइनस 1200 दैट इज 800 अपॉन में क्या होगा, देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो 800 अपॉन में 4 यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, 200। ओके 200 तो उसी को जो है मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एक और चेक कर लेते हैं डी सी के लिए, बाकी आप देख सकते हो बाकी को आप निकाल सकते हो। ओके तो सी के लिए निकालते हैं, तो सी के लिए देखो क्या होगा, 1800 माइनस 1000 दैट इज 800 अपॉन में क्या होगा, 4 माइनस दैट इज 1। तो 800 अपॉन में 1 विल गिव मी 800। ओके यस तो हमारे पास सी का भी निकल चुका है, डी का आप निकाल लीजिएगा, ई का देखो यहाँ पे ब्लैंक क्या हो, बिकॉज यहाँ पर देखो क्या होगा, यस यहाँ पे दिख रहा होगा 1600 माइनस 1600। ओके तो ये अपना 0 होगा कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस इसको मैं 0 लिखो या फिर इसको ब्लैंक करो, एक ही मतलब है। ओके तो ये सब हो चुका है, तो अब मुझे करना क्या, यहाँ पे नेटवर्क को ड्रॉ करना है। ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है नेटवर्क को ड्रॉ करना।
नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे बड़ा की पॉइंट आपको जो दिया हुआ ना वो ये है कि एक्टिविटी कितने पांच हैं। ओके, बट यहाँ पे ए और ई एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, बाकी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी ए मस्ट प्रिसीड ऑल अदर वाइल एक्टिविटी ई मस्ट फॉलो अदर्स। ओके, मतलब ये है कि ए जो रहेगा सबसे पहला एक्टिविटी रहेगा और ई जो रहेगा सबसे आखिरी में एक्टिविटी रहेगा, बाकी जितने होंगे ना ओके वो सब ए से और ई से दोनों क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। देखो फिर इसमें लाइन पढ़ रहा हूँ, एक्टिविटी ए मस्ट प्रिसीड ऑल अदर वाइल एक्टिविटी ई मस्ट फॉलो अदर्स। अदर मतलब क्या होगा, ए और ई को छोड़ने के बाद बी सी डी, तो बी सी डी जो रहेंगे वो ए से भी लिंक बनाएंगे और ई से भी लिंक बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लो अपना, इसको मैं इवेंट वन मान लेता हूँ, जहां से अपना क्या है एक्टिविटी, यस ये अपना मान लो क्या है एक्टिविटी ए है। ओके ठीक है, ये अपना क्या होगा टू हो गया। अब यहां से जो है ना ये देखो अपना आखिरी एक्टिविटी कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पर है। ओके, ये अपना क्या आखिरी एक्टिविटी ई है। ओके एज पर द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, बी सी और डी क्या रहेंगे, इन दोनों के बीच में रहेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे, यस इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको मैं क्या दिया मान लो एक्टिविटी बी का नाम दे दिया हूँ। ओके, इसको वैसे ही इसको यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, इसको मान लो मैं क्या ले लिया एक्टिविटी डी का नाम दे लिया हूँ, और सी जो रहा है कहाँ पे मान लो इसको मैं बीच में यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ मैं। ओके, ये अपना क्या एक्टिविटी सी है। अब यहाँ पर देखो इसको जोड़ना है कि नहीं, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक डमी एक्टिविटी से इसको अपन दिखा देंगे। ओके, वैसे इसको भी हम क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी से इसको अपन यहाँ पे दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी ई ए सी ई और ए डी ई, तो तीनों एक्टिविटी के लिए प्रिसीडिंग क्या हो गया अपना, ये हो गया, और सक्सीडिंग कौन अपना हो गया यहाँ पे, ई हो गया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे अब, यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझना आना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे दूसरा पेन को यूज़ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो हम पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जो दिया हुआ ना, ओके पहले हम क्या करते हैं नेमिंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं इवेंट्स को, यहाँ पे थ्री मान लो उसको, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, इसको आप 5 मान लो, इसको अपन 6 मान लेंगे। पॉलकर्सन रूल को अप्लाई करते हुए अपन सब चीज़ को फॉलो करें। ओके, पॉलकर्सन रूल क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, तो आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि चीज़। तो मुझे करना क्या है, ई निकालना है और एल निकालना है सभी इवेंट पे। ओके, ई निकालना है और एल निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ई और एल जो है हम मैंने हर इवेंट पे यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इवेंट के नीचे हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखने वाले हैं। नंबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर देखोगे ना अगर, यस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ रहा है कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, 5 है, बट क्रैश ड्यूरेशन यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे और ब्रैकेट में अपन लिखेंगे 4। वैसे हम क्या करेंगे, हर एक इवेंट के लिए जो भी जितने भी यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिख रहे हैं उसको हम उसी टाइप से यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और साथ ही में उसके साथ हम क्या दिखाएंगे, यस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ में अपन एक और चीज़ दिखाएंगे, दैट इज कॉस्ट स्लोप। ओके, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे 5 एक्टिविटी हैं। ओके, 5 एक्टिविटीज़ हैं, तो हमको जो है यहाँ पे सब कुछ को दिखाना है, किसमें, यस नेटवर्क डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे ए एक्टिविटी नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 5 ब्रैकेट में 4,1000। 5 अपना क्या है नॉर्मल ड्यूरेशन, ये अपना क्या है क्रैश ड्यूरेशन, और ये अपना क्या है जो हम निकाले थोड़ी देर पहले, दैट इज कॉस्ट स्लोप फॉर एक्टिविटी ए। ओके, वैसे हम क्या करेंगे, बी सी डी और ई के नीचे अपन लिखेंगे, यस। अब यहाँ पे देखो मैंने हर एक्टिविटी के नीचे में जो है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, डमी के नीचे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे ये भी 0 रहेगा और ये भी अपना क्या रहेगा, 0 रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 0 होगा। हमें पता है एक्टिविटी जो होता है, डमी एक्टिविटी जो होता है वो ना तो आपको टाइम को कंज्यूम करता है ना किसी, ओके किसी रिसोर्स को वो रिक्वायर करता है। तो यहाँ पे दोनों सभी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेंगे, 0 रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा अब, यस क्रिटिकल पाथ को यहाँ पे दिखाना होगा। तो क्रिटिकल पाथ दिखाने के लिए हमको करना क्या होगा, पहले ई और एल की वैल्यू उसको निकालना है यहाँ पे। ओके, तो ई और एल की वैल्यू उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा ना ये अपना क्या है नॉर्मल ड्यूरेशन है। ओके, हम इसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली हम क्या मानते हैं उसको, 0 मान लेते हैं, यस। अब 1 से मैं 2 पे गया तो यहाँ पे अपने कितने एक की एक्टिविटी है, इसके पीछे देखो तो अपने कितनी एक की एक्टिविटी है और उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, 5 है, तो 0 + 5 दैट इज 5 हो जाएगा यहाँ पे, यस ठीक है। अब मान लो मैं 2 से 3 पे जाता हूँ, तो 2 से 3 पे आने पे देखो 3 के पीछे देखो अपने कितनी एक्टिविटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटीज हैं। ओके, 3
ठीक है, पहले देखो अपने पास कितनी एक ही एक्टिविटीज हैं और उसका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन दैट इज 6 है, तो 6 + 5 दैट इज 11। आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब ठीक है, बात अपन कहाँ पे आएंगे, 4 पे आएंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, 5 है और डी इवेंट का जो नॉर्मल जो अपना टाइम ड्यूरेशन दैट इज 5, तो 5 + 5 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना 10 हो जाएगा। यस, अब ई 5 पे आते हैं, 5 पाने के लिए हम इसको फॉलो करेंगे या फिर इसको फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये टाइम ड्यूरेशन 0 है और यहाँ पे क्या है, 11 है, तो यहाँ पे 11 + 0 दैट इज 11 आ सकता है, या फिर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 10, हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे, यस, ई को निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। यस, ये अपना 11 हो चुका है। अब यहाँ पे आएगा तो इसके पीछे को सिर्फ एक ही एक्टिविटी है ई, तो एक एक्टिविटी का नॉर्मल ड्यूरेशन अपना टाइम टाइम कितना यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 11 लिखा है, तो 3 + 11 दैट इज 14, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यस, नॉर्मल ड्यूरेशन अपना कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अपना 14 हो चुका है। अब एल निकालते हैं, तो एल को भी जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, तो एल को जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप उसको निकालिए, ठीक है, निकालिए और देखिएगा। ओके चलो ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना, क्रिटिकल पाथ भी निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसके पीछे आएंगे तो 14 में अपन 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अपना 11 आएगा। अब पीछे आते हैं तो अगर यहाँ से पीछे आऊंगा तो यहाँ पे 0 है, तो 11 - 0 दैट इज 11। ओके, अब यहाँ से पीछे आऊंगा तो क्या, 11 - 0 दैट इज 11, ये अपना हो चुका है। ओके, अब कहाँ पे अपन आएंगे, देखो 6 पे हो चुका है, 5 पे हो चुका है, 4 पे हो चुका है, 3 पे हो चुका है, तो अपन अब कहाँ पे आएंगे, 2 पे आएंगे, तो 2 पे आने के लिए अपन यहाँ तो 3 से आ सकते हैं या फिर 4 से आ सकते हैं पीछे। ओके, तो 11 - 6 दैट इज 5 आएगा, या फिर 11 - 5 दैट इज 6 आएगा। तो हम जब पीछे दैट इज बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन जब अपना अप्लाई करते हैं जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सॉरी एल, उस वक्त हम क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू को लेते हैं, तो यहाँ पे 11 - 6 दैट इज 5, या फिर 11 - 5 दैट इज 6, तो 5 और 6 मिनिमम कौन है, यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 - 5 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, अब हमको देखना है कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जहाँ पे ई और एल की वैल्यू क्या है, जो डिफरेंस है दैट इज L - E, वो क्या होना चाहिए, अपना 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो क्रिटिकल एक्टिविटी रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, यस, ये वाला हो जाएगा। ओके, ये अपने क्या होगा, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, और ये सब क्या है, ए बी, ये डमी एक्टिविटी, ये वाला और एक ये हमारा क्या हो जाएगा, यस, क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनली क्रिटिकल पाथ जो रहेगा, वो हमारा कौन सा, यहाँ पे देखो 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 एंड 6। ओके, तो ये हमारा क्या बन चुका, क्रिटिकल पाथ बन चुका है। ओके, तो क्रिटिकल पाथ में हमारा जो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, ओके, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ रहा है दैट इज 14, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल ड्यूरेशन अपना कितना है, 14 आ चुका है, 14 डेज, तो मुझे अब करना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालना है। ओके, इस टाइम ड्यूरेशन का टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट हम क्या करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपन लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले हमको देखना है कि नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे कि क्रैश कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट यहाँ पे अब मैं अभी तक क्रैशिंग नहीं किया हूं मैं, तो क्रैश कॉस्ट यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये अपना 0 हो जाएगा। ओके, ये अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपना 0 हो जाएगा, और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे जो कि आपको क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे दिया रहेगा, किसी किसी बुक में आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो अपना ओवरहेड कॉस्ट भी बोलता है। ओके, तो ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट को अपन कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते एक बार। यहाँ पे जब क्वेश्चन जब आपको जहाँ पे आपको दिया हुआ था वहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे नॉर्मल ड्यूरेशन के साथ रखो, आपके पास यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ था दैट इज इन रुपीज़। ओके, तो उन सबको ऐड कर लो, 3000 + 1200 दैट इज 4200, 5200, 6400 + 16 दैट इज 8000, तो ये अपना कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये अपना हो जाएगा 8000, और ये अपने क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर 300 पर डे। ओके, तो 300 पर डे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यस, इसको देखो अपन कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल कॉस्ट, तो नॉर्मल कॉस्ट अपना कितना हो गया, यहाँ पे 8000 हो गया। ओके, क्रैश कॉस्ट अपना कुछ नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या 0 लिखेंगे प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे, यस, 300 लिखा हुआ था, बट यहाँ कितने डेज है, यहाँ पे 14 डेज है कि नहीं, यहाँ पे तो 300, ओके, इंटू 14, ओके, सबको जोड़ो,
इसको करोगे तो कितना अपना आएगा, 4200 आएगा. तो 4200 प्लस 8000 विल गिव मी व्हाट, 12,200 रुपीज. ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा. यस, अब यहां तक आपको जो है समझ में आ चुका होगा. लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इनिशियल, ओके, जब हम इनिशियल टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जहां पे हमने क्रैशिंग नहीं किया हुआ है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, जहां पे हमने क्रैशिंग नहीं किया हुआ है, उस केस में हम जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं वो अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. बट आफ्टर क्रैशिंग, मान लीजिए मैं क्रैश कर चुका हूँ, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे. माइनस इसलिए करेंगे बिकॉज हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन कितना, 14 है. लेकिन मान लो अगर मैं क्रैश कर रहा हूँ, मतलब क्या है, इसको जो है 14 से मैं क्या कर रहा हूँ, 13 या फिर 12 या फिर 10 कर रहा हूँ कि नहीं, जो भी है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन उसको मैं कम कर रहा हूँ. तो जैसे ही मैं टाइम ड्यूरेशन कम करूंगा, तो हमारा जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, चाहे लेबर कॉस्ट हो या फिर जो भी कॉस्ट हो, ओके, मुझे जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान लो मैं 14 से मैं क्या किया, 12 डेज में काम को खत्म कर रहा हूँ, तो जो एक्स्ट्रा 2 दिन जो बचा, उसका मेरा जो जो लेबर का जो कॉस्ट था, उसको मैं रिड्यूस किया कि नहीं यहाँ पे, तो हमारा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा या फिर जो ओवरहेड कॉस्ट होगा, वहां पे क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा. ये बात का ध्यान रखिएगा आप. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपको जो बताने वाला हूँ वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, कौन सा, देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हूँ, दैट प्रोजेक्ट लेंथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्रैशिंग द क्रिटिकल एक्टिविटीज ओनली. याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं. ओके, अगर मैं क्रैशिंग कर रहा हूँ प्रोजेक्ट लेंथ का, तो हम किसको करेंगे, जो अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा था, यस ये वाला था, 1 2 3 5 6. बट यहाँ पे और कौन से पाथवे हैं 1 से 6 जाने में, 1 2 3 5 6, 1 2 5 6, 1 2 4 5 6, ये अपने पास तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट पाथ था. यहाँ पे लिख दिया मैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ को, ठीक है. तो अगर 1 2 3 5 6 में जाऊंगा तो मुझे अब कितने लगेगा, 14 डेज लगेगा, जो अपन निकाले थे, ठीक है. वही अगर मैं 1 2 5 6, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे क्या, 3, दैट इज 12. तो यहाँ पे वही लिखा हूँ मैं अपने, यहाँ पे कितना होगा, ये 12 डेज होगा. वहीं अगर मैं 1 2 4 5 6 जाता हूँ, दैट इज यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यस 1 2 4 5 6, दैट इज 5 प्लस 5, दैट इज 10, यहाँ पे 0, तो 10 प्लस 3, दैट इज 13 डेज. ओके, तो यहाँ पे देखो अपन क्या, 13 डेज हो गया. तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिंस यहाँ पे जो है अपना ड्यूरेशन, वो अपना क्या मैक्सिमम है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं. और हम क्रिटिकल पाथ को ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिड्यूस करते हैं क्रैशिंग में. ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 5 6, 1 2 3 5 6 में यहाँ पे कौन से एक्टिविटीज आ रहे हैं, ए बी ई. ओके, ए बी ई. अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा हुआ ना, इसका पार्ट आप यहाँ पे काम आने वाला है. कैसे, देखो तो ए बी ई. ओके, ये तो अपना डमी एक्टिविटी है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं. ओके, तो ये अपना क्या है, एक्टिविटी क्या लिखा है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है. तो एक्टिविटी ए का जो नॉर्मल ड्यूरेशन दैट इज 5, बट इसको मैं कितना कम कर सकता हूँ, एक कम कर सकता हूँ. ओके, मतलब यहाँ पे 4 तक का इसको मैं कर सकता हूँ. तो यहाँ पे कितना रिड्यूस कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्यूरेशन 5 है, लेकिन क्रैशिंग कितना है, 4 है, मतलब यहाँ पे मैं 1 दिन तक इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ. ओके, वैसे यहाँ पे देखो बी में जो है, जो ड्यूरेशन दैट इज 6 है, बट क्रैशिंग ड्यूरेशन यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, मतलब इसको मैं 4 दिन तक मैं इसको घटा सकता हूँ. यहाँ पे क्या है, 3 और 3, यहाँ पे अपन लोग क्रैशिंग नहीं कर सकते हैं. ई वाला एक्टिविटी अपन क्रैशिंग नहीं कर सकते हैं, बी वाला अपन क्रैशिंग कर सकते हैं 4 डेज तक का. ओके, और ए पे हम क्रैशिंग कर सकते हैं ओनली 1 डे का. ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, क्रैश करना है पहले. तो हम क्रैश किसको करेंगे, यस ये भी इंपॉर्टेंट है. आपको अगर किसी एक्टिविटी को, अगर आपको किसी एक्टिव अगर आपको किसी एक्टिविटी को क्रैश करना है, तो हमको देखना है वहां पे जो कॉस्ट लगने वाला है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है क्रैश करने के लिए, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो अगर मैं ए को क्रैश करूंगा तो यहाँ पे कितना है? मुझे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. वहीं अगर मैं बी को क्रैश करूंगा तो यहाँ पे कितना मेरे को, 200 रुपीज पर डे यहाँ पे करना पड़ेगा. और ई में तो क्रैश कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कोई कॉस्ट को अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना इसको क्रैश कर ही नहीं सकते, बिकॉज जितना नॉर्मल ड्यूरेशन है उतना है यहाँ पे क्या है उसका, क्रैशिंग ड्यूरेशन है. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए को करना मतलब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है पर डे, और बी करना मतलब 200 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा पे करना है. तो जो कम रहेगा उसको अपन यहाँ पे क्रैश करेंगे. तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्रैश करेंगे बी एक्टिविटी को. ओके, तो यहाँ पर देखो मैं वही चीज लिखा हूँ, यस क्रैश एक्टिविटी बी बाय 1 डे. ओके, देखो पॉजिटिव डिशन अपना कितना हो जाएगा, पहले अपना 14 डेज था, और हम इसको सिर्फ 1 दिन कर सकते हैं. ओके, क्यों 1 दिन कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर देखो क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटीज अपना 14 डेज का है, और इसको अगर मैं 1 दिन करूंगा तो ये क्या अपन 13 डेज हो जाएगा. तो 13 डेज जैसे हो जाएगा तो ये और ये अपने क्या होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा. ओके, और मान लो अगर मैं इसको 2 दिन अगर मैं क्रैश करता हूँ,
बीक अपन कितना क्रैश कर सकते हैं यहाँ पे, 4 दिन तक क्रैश कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 6 N2 का, 4 दिन का है, तो अपन इसको 4 दिन क्रैश कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं देखूंगा कि कितना करने से ही अपना क्रिटिकल एक्टिविटी ये बना रहेगा। ओके देखो पहली बात तो ये कि हम इसी को क्यों क्रैश कर, बिकॉज ये अपना क्या क्रिटिकल एक्टिविटी है। ओके तो जब मैं एक दिन इसको क्रैश करूंगा तो क्या होगा, ये जो तीन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे आपको दिख, तीन डिफरेंट डिफरेंट आपको जो पाथ दिख रहा है उसमें एक दिन पे करने से क्या होगा, ये 13 में आके रुक जाएगा। तो 13 जैसे होगा तो ये पहला वाला पाथ और तीसरा वाला पाथ जो अपना क्रिटिकल एक्टिविटीज बन जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसको मान लो 2 दिन अगर इसको क्रैश करता हूँ तो ये अपना एक्टिविटी जो है क्रिटिकल नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिटिकल बने रहना है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमम अपन 1 दिन का जो है क्रैश कर सकते हैं। ओके तो क्रैशिंग एक्टिविटी बी बाय 1 डे, तो हमारा पॉजिटिव ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 40 माइनस 1 दैट इज 13 डेज हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं दैट इज प्रीवियस टोटल कॉस्ट दैट इज यहाँ पे देखो कितना अपना आया था, यस 12,200। ओके इसको अपन यहाँ पे रखें, यस प्लस क्रैशिंग कॉस्ट। ओके 1 दिन क्रैश करने का कितना कॉस्ट यहाँ पे देखो तो बी का दैट इज 200, उसको अपन यहाँ पे लिख लिए दैट इज 200 × 1, हमने 1 दिन क्रैश किया। ओके माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ कितना था, 300 रुपये था पर डे का, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर ओवरहेड कॉस्ट कितना दिया यहाँ पे, 300 रुपये दिया है 1 दिन का, तो 300 माइनस इनटू 1, तो इसको से माइनस को दैट इज -100 हो जाएगा। तो -100 और ये करें तो अपने कितना मिलेगा, 12,100 मिलेगा। तो हमारे पास 1 दिन क्रैश करने पे बी को अपन जब 1 दिन क्रैश करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकल रहा है, 12,100 निकल रहा है। आई बात समझ में यहाँ तक का? ओके तो अब हम क्या करेंगे, ये अपना जो नेटवर्क था ना, ये अपना जो नेटवर्क था उसको अपन क्या करेंगे, यस ये जो 5-2 लिखा था, 6-2 जो लिखा हुआ था, इस पूरे में सब कुछ सेम रहेगा, बस इसको हम 5-2 करेंगे बिकॉज ये जो है अपना 1 दिन कम हो चुका है। ओके तो यहाँ पर देखो सब कुछ एज इट इज आएगा, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसको अपन 5-2 कर दिए। ओके और अपना जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट इज 13 डेज हो चुका है। आई बात समझ में, अपना 13 डेज हो चुका है, तो 13 डेज हो चुका तो मैं आपको बता चुका था कि ये जैसे 13 डेज हो जाएगा तो ये अपना एक्टिविटी रहेगा क्रिटिकल, और ये भी मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ये अपना अभी भी क्रिटिकल है। बट साथ में ये भी जो है ना, ये भी अपना क्या क्रिटिकल हो चुका है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल लाइन से जिसको बजाय इसको अपन शो करेंगे। ठीक है अब इसको अपन दिखा चुके हैं, ठीक है अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दैट इज ये और ये वाला पाथ अपना क्या हो चुका है, क्रिटिकल हो चुका है। मैं लिखा हूं मैं ये वाला पाथ और ये वाला पाथ दोनों अपना क्या क्रिटिकल हो चुका है यहाँ पे, तो मुझे करना क्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब मैं किसको क्रैश करूंगा। इसको अपन 1 दिन क्रैश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आओगे बी बी पर आओगे तो बी को अगर कम करूंगा तो ये अपना एक्टिविटी जो है क्रिटिकल नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे करना क्या है, क्रैश करना है फिर से, तो अगर मान लो इसको करूंगा मैं तो ये अपना एक्टिविटी जो है क्रिटिकल नहीं रहेगा। तो हमको पता है कि ये वाला एक्टिविटी और ये जो पाथ है और ये वाला जो पाथ अपना क्या है, क्रिटिकल है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसमें अगर कुछ कम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये कम होगा तभी तो अपना ये 1-1 दिन कम होगा। आई बात समझ में, बी में अगर एक कम करूंगा तो ये अपना ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन अपना ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे बी को कम करना है तो डी को भी 1 दिन कम करना पड़ेगा, या फिर अगर मान लो डी को अगर कम करना है तो अपने को साथ में बी को भी कम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ई को तो अपन कम कर ही नहीं सकते हैं, और ये आप भूल जाओ क्योंकि अपने क्या है, ये डमी एक्टिविटीज हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्रैशिंग के 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं ए को क्रैश करूं या फिर बी प्लस डी दोनों को साथ में क्रैश करूं। तो क्या होगा, बी और डी को जब साथ में क्रैश करूंगा तो ये अपना 1 दिन कम होगा, यहाँ पे 1 दिन कम होगा, तो यहाँ पे अपना 12 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 12 हो जाएगा। तो 12 12 होने से क्या है, तीनों जो है तीनों पाथ जो है तीनों पाथ जो है अपना क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि अगर मैं ए को क्रैश करता हूँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो क्रैश कॉस्ट है वो कितना देना पड़ेगा, दैट इज 1,000। वही अगर मैं बी और डी को कम करता हूँ तो देखो बी में कितना 200 है और डी में कितना 400 है, तो इसको करूँगा तो कितना मुझे देना पड़ेगा, 600 देना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा भैया ड्यूरेशन कम करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा जो है मैं कम पे करूँ, तो हम क्या करेंगे, बी और डी को जो है यहाँ पे क्रैश करेंगे। तो अब हमने देखो क्या किया, क्रैश एक्टिविटी बी प्लस डी बाई 1 डे। तो 1 डे अपन जब उसको क्रैश करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पहले कितना था, 13 डेज था, अब 30 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज 12 डेज। यस तो टोटल कॉस्ट अपन निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट अपन कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टोटल कॉस्ट निकालेंगे। जो कि अपना कितना था, 12,100 प्लस क्रैश कॉस्ट। तो बी प्लस डी में कितना था क्रैश कॉस्ट, दैट इज 600 था,
दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 600 जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट अब कितना था, 300 रुपये था। तो सिंस हम यहाँ पे 1 डे का क्रैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 600 × 1 एंड 300 × 1। ओके, बी का कितना था, बी का था 200 और डी का था क्रैश कॉस्ट, दैट इज 400। तो बी प्लस डी, 200 + 400 विल गिव मी 600। ओके, तो अपना क्रैश कॉस्ट, ओके, फिर माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे तो अपने टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे, 600 - 300 दैट इज 300, 300 + 12,100 विल गिव मी 12,400। ओके, तो इसका हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी, यहाँ पे अपन एक और नेटवर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हम 5 में एक काम करेंगे। ओके, बी में पहले क्या था, कितना था, 5 2 था, तो यहाँ 4 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी में कितना था, 5 3 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। मतलब एक एक जो नॉर्मल डेज में जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो सिंस हम कम कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए 1 2 3 5 6 जाएंगे तो यहाँ पे अपना जो ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का, दैट इज 12 डेज। अगर आप जाते इस पाथ को फॉलो करते हुए 1 2 5 6, तो यहाँ भी अपना कितना मिलेगा, 12 डेज मिलेगा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो भी क्या मिलेगा, आपको 12 डेज मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो तीनों पाथ है, दैट इज 1 2 3 5 6, 1 2 5 6 और 1 2 4 5 6, ये अपने क्या है, तीनों तीनों क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटी है तो यहाँ पे हम किसको, कौन से, किस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमको पता है या तो एक को करेंगे, या फिर देखो सिंस यहाँ पे तीनों, ओके, तीनों पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल है, तो या तो ए को कम करूंगा, या फिर बी से डी को कंबाइन कम करूंगा, या फिर ई को कम करूंगा। तो ई को तो अपन कम नहीं कर सकते हैं, ओके, बी से डी को अपन कंबाइन क्यों करेंगे, बिकॉज अगर किसी एक को करोगे तो वो अपना क्या होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिंस बी सी डी, ओके, तीनों पाथ जो है यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, तो यहाँ पे अगर किसी एक को करूंगा तो बाकी दो को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, या तो इसको कम करूंगा या फिर बी सी डी को कंबाइन कम करूंगा। तो यहाँ पे देखा मैं, क्रैशिंग ऑप्शन अपने कौन से हैं, या तो ए को कम करो या फिर बी प्लस सी प्लस डी को कम करो। ई को तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज यहाँ पे अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अपने पास एक दिन का क्रैशिंग ऑप्शन है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अपने पास 2 है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो अपने पास 1 है। 4 3, यहाँ पे अपने पास 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए के लिए देखो अपना जो जो क्रैश कॉस्ट लगेगा, दैट इज 1,000 रुपीज। ओके, 1 ए एक्टिविटी को 1 डे क्रैश करने के लिए हमको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 1,000। ओके, वहीं अगर बी प्लस सी प्लस डी करूँ तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 800, यहाँ पे 400। इसको जोड़ो, 1,000 + 1,000 + कितना, 400, दैट इज 1,400। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हम एक्स्ट्रा कितना पे करेंगे, अगर एक को कैश करना है 1 डे पे, दैट इज 1,000, और अगर इसको काम करना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 1,400। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ए को जो अपन यहाँ पे क्रैश करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम एक्टिविटी ए को क्रैश किए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़, क्रैश एक्टिविटी ए, ओके, बाय 1 डे। तो यहाँ पे कितना था, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट इज 12 डेज था। तो हमने, आप देखो क्या किया यहाँ पे, यस, हमने यहाँ पे एक दिन कम कर दिया, दैट इज 12 - 1, दैट इज कितना होगा, 11 डेज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे करना है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना, टोटल प्रीवियस कॉस्ट अपन देख लेते पहले। प्रीवियस कॉस्ट यहाँ पे कितना था, दैट इज 12,400 था, तो यहाँ पे 12,400 कर लेंगे। क्रैश कॉस्ट कितना है, ओके, अगर मैं एक का कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्रैश कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 1,000 उसका दिया है, तो 1,000 × 1 × 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन 1 डे के लिए अपन इसको क्रैश कर रहे हैं। ओके, तो 300 × 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1,000 × 1 क्रैश कॉस्ट के लिए, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे को क्वेश्चन दिया है, दैट इज 300, और यहाँ पे सिंस अपन एक दिन के लिए क्रैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 300 × 1 हो जाएगा। ओके, तो सबको कैलकुलेट करो, यू विल गेट 13,100। 1,000 - 300 विल गिव मी 700। तो इसमें अपन जब 700 जोड़ेंगे तो अपना कितना बनेगा, यहाँ पे 13,100 बनेगा। तो अपना टोटल कॉस्ट कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको देखो, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक को क्रैश कर दिया, तो यहाँ पे जो था 5 4, तो यहाँ पे देखो अपने क्या हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा, देखिए आपको, यस, बाकी क्या है, एज इट इज आएंगी। तो अभी भी क्या है, देखो सिंस हमने इसको कम किया था, ओके, 5 4 से अपना ये क्या 4 4 हुआ, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अपने ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 11 है। ओके, यहाँ पे ई की वैल्यू अपने कितनी थी, देखो यहाँ पे, यस, पॉजिटिव रेशो अपने कितना बन गया, 11 हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस पाथ को फॉलो करो, या यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, कि सिंस यहाँ पे अपने पास तीनों तीनों क्या है, क्रिटिकल पाथ है, तो हम क्या करेंगे, सभी को जो हम यहाँ पे ऐसे डबल लाइन से उसको अपन शो कर देंगे। ओके, ये चीज़ आपको दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम सभी को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सभी के सभी अपने क्या है, क्रिटिकल पाथ है।
ओके देखो यहाँ पे अपन कर दिए यस। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने सिंस ए वाले पार्ट को यहाँ पे कम किया हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी के सभी क्या क्रिटिकल पाथ होंगे। ओके ये अपने जितने पाथ यहाँ पे दिख रहा है वो अपने क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा। तो जितने एक्टिविटीज हैं वो अपने क्या होगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी को डबल डबल लाइन से इसको अपन शो करेंगे। ओके यस, तो ये देखो ये हो गया, इसको वैसे जोड़ दो, डबल डबल लाइन्स तो दिखा दो। और ये जो डमी एक्टिविटी ना इसको लिखना मत भूलना है ना, इसको भी यहाँ पे अपन डबल डबल लाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज आर क्रिटिकल एक्टिविटीज। ओके तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहा, देखो यहाँ पे फोर था, यहाँ फोर है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं बचा है। यहाँ पे तो स्टार्टिंग से ऑप्शन अपने को यहाँ पे नहीं मिला हुआ था। ऑप्शन देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके ठीक है, अब देखो बी में अपने पास कितना कितना इसको अपन क्रैश कर सकते हैं, 2 दिन में क्रैश कर सकते हैं, बिकॉज 4 माइनस 2 विल गिव मी 2। ओके वहीं अगर मैं सी को देखूँ तो यहाँ पे कितना है, इविंग का अपने पास यहाँ पे क्रैशिंग करने का ऑप्शन है। ओके यहाँ पे हम कितने के लिए अपन यहाँ पे क्रैश कर सकते हैं, 1 डे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर तीनों को साथ लेके चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम तीनों को अपन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए क्रैश कर सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 दिन का ऑप्शन दिया है कि नहीं, बट यहाँ पे अपन 2 को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको मैं कर लूंगा तो ये अपना क्या होगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। ओके हमको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पाथ पे ही हमको क्रैश करना है। ओके क्रिटिकल पाथ होना चाहिए। तो सिंस अभी यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, क्रिटिकल पाथ है। ओके तीनों के तीनों अपने क्या है, क्रिटिकल पाथ है। तो जो हम एक पे करेंगे वो हमको बाकी में करना पड़ेगा, बिकॉज ये अपने क्या है, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके सिंस यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो किसी अगर एक पे करूंगा मैं तो बाकी में भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ये तीनों तीनों क्या है, क्रिटिकल है। अगर मान लो ये अपना क्रिटिकल होता और ये दो क्रिटिकल अगर नहीं होता तो वहां पे मैं कर सकता था इसको 1 2। ओके चेक कर सकता था मैं वहां पे कि कहाँ तक अपना ये क्रिटिकल रहेगा, बट सिंस अपना यहाँ पे फिलहाल अभी तीनों के तीनों क्या क्रिटिकल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का क्रैश करेंगे। तो 1 दिन क्रैश करने से क्या होगा, ये अपना 3 3 हो जाएगा, यहाँ 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 4 3 हो जाएगा। ओके लेकिन जैसे ही अगर मैं 2 दिन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। ओके यहाँ पे तो नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिविटी पे कर पाएंगे। और जैसे यहाँ पे 2 दिन करूंगा मैं तो ये जो एक्टिविटी है ना, ओके ये अपना जो पाथ है वो अपना नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मुझे यहाँ पे क्रिटिकल पाथ रखना है। ओके किसी भी एक्टिविटी करूंगा मैं अगर, तो वहां पे मुझे उसको क्रिटिकल पाथ में रखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पाथ कब होगा, जब तीनों में मैं सिर्फ और सिर्फ 1 डे का मैं यहाँ पे क्रैश करूंगा। ओके तीनों मिला के क्या होगा क्रिटिकल पाथ, ये तीनों अपने क्या क्रिटिकल पाथ है। तो अगर मैं तीनों में अगर एक एक दिन कम करूंगा तो क्या होगा, ये तीनों तीनों क्रिटिकल पाथ बने रहेंगे। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज बी प्लस सी प्लस डी। हम क्या करेंगे, इसी को जो है हम यहाँ पे क्रैश करेंगे। ओके तो यहाँ पे वही लिखा, दैट इज क्रैश एक्टिविटी बी प्लस सी प्लस डी बाई 1 डे। ओके तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या था, पहले 11 था, अब 1 डे इसमें क्रैश करे दैट इज 10 डेज अपना हो जाएगा। तो ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, बिकॉज अब आगे क्रैश नहीं कर पाएंगे। ओके तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा वो अपना कितना हो चुका है, देखो यहाँ पे अपन और क्रैश क्यों नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज ये तो अब क्रैश नहीं हो सकता है, ये तो क्रैश स्टार्टिंग से ही नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, ये 3 3 हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्रैश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ओके इसको ये अपना भले 3 तो रहेगा लेकिन यहाँ पे अपन नहीं करेंगे, बिकॉज मैं कह चुका हूँ इसके ऊपर और क्रैशिंग करोगे तो अपने क्या होगा, ये नॉन क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ओके हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, तो बस थोड़ा सा बचा हुआ है, पेशेंस रखना। टोटल कॉस्ट निकालें तो प्रीवियस टोटल कॉस्ट निकालें, दैट इज 13,100 हो जाएगा। क्रैशिंग कॉस्ट कितना था देख लो एक बार, बी प्लस सी प्लस डी। ओके बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 200 प्लस 800 प्लस 400, दैट इज 1400। ओके तो यहाँ पे अपन दिखा दे 1400, यस 1400 अपने यहाँ पे जोड़ दिए, -300 × 1। ओके 1400 × 1 क्योंकि अपने यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन अपने यहाँ क्रैश किए हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि अपन ओवरहेड कॉस्ट होता है दैट इज 300 × 1 माइनस के साथ रहेगा। सबको कैलकुलेट करना, यू विल गेट टोटल कॉस्ट एज कितना, 14,200। ओके तो हमको जो है मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिल सो दैट इज 10 डेज। ओके और उसमें जो खर्चा होगा हमारा, जो टोटल कॉस्ट बनेगा दैट इज हमारा कितना है, 14,200 है। तो इसको भी अपन आंसर में इंक्लूड करेंगे और ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ पूछा, दैट इज टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ। ओके टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ पूछा है, तो हमको निकालना है ये चीज़। तो हम अगर देखेंगे तो हमने जब स्टार्टिंग में जो हमने जब नेटवर्क बनाया था तो उसके लिए हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था दैट इज 14 डेज, और उसके रिगार्डिंग हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 12,200। ओके
हमने जब स्टार्टिंग में हमने जब प्रॉब्लम को शुरू किया था, उस वक्त आपके पास जो नेटवर्क बना हुआ था उसके लिए हमारा जो टोटल ड्यूरेशन था, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट वाज 14 डेज, और उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो टोटल कॉस्ट दैट वाज 12,200। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, क्रैश किया, क्रैश करना स्टार्ट किया। तो पहले बताओ हम क्या किए थे, क्रैश किए थे, एक्टिविटी बी को अपन क्रैश किए थे, दैट इज कितना था बताओ वहाँ पे, तो 13 डेज अपना ड्यूरेशन हो गया था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और उसके लिए कॉस्ट कितना था 12,100। वैसे वैसे अपन क्या किए, बाकी को अपन यहाँ पे क्रैश किए थे। तो जैसे आप टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे मिनिमम बता कौन सा वाला है, ये वाला, दैट इज 12,100 है। मतलब ये है कि ये एक ऐसा पोजिशन था जहाँ पे ड्यूरेशन कम होने पे कॉस्ट जो है अपना यहाँ पे कम हो रहा था, और बाकी देखो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे फाइनली क्या बोलेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट एट 13 डेज। ओके, 13 डेज व्हेन एक्टिविटी बी इज क्रैश्ड बाय 1 डे। ओके, एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट इज कितना बताओ, 12,100, और ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको मैं क्रैशिंग जो है नेटवर्क, ये जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाना। ओके, थैंक यू सो मच।